हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। तो फर्स्ट टाइम आज अपनी वाइफ का इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी वो मेरे डॉटर के साथ आई है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया दिल्ली एयरपोर्ट से। कुछ बैड एक्सपीरियंस हमारे रहे हैं इस जर्नी में, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी वाइफ एक्सप्लेन करेंगी पूरी जर्नी इन शॉर्ट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे हमने इसको टैकल करना है। तो हाँ जी अमन, बताइए कि दिल्ली एयरपोर्ट से क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। हेलो एवरीवन, फर्स्टली आई केम बैक टू ऑस्ट्रेलिया, थैंक टू गॉड। दिल्ली में क्या हुआ कि जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पे 12 बजे पहुंच गए थे, 5 बजे की हमारी फ्लाइट थी। तो बाहर आते ही वहाँ पे जैसे ही हमने सामान उतारा तो पोर्टर आपके पास आ जाते हैं कि चलो आपको हम अंदर ले जाते हैं। ऐसा होता है, पोर्टर का काम होता है वो इमिग्रेशन करवा के आते हैं। तो आई एम विद माय चाइल्ड, तो मुझे तो जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, हमने बाहर मेरे फादर ने मुझे पोर्टर कर दिया कि तू पोर्टर ले जाएगा, तुझे अंदर ले जाएगा। वो 300 रुपया चार्ज करते हैं, सरकारी बंदा। तो वो मुझे अंदर ले गए, तो अंदर जाके उसने क्या किया, वो पोर्टर मुझे एक जगह पे बिठा गया कि ये आपकी लोकेशन है, आपकी यहाँ पे इमिग्रेशन होगी। तो मुझे वहां पे बिठा के वो चला गया। तो मैंने सोचा इसने मेरी इमिग्रेशन तो करवाई नहीं, क्योंकि अभी तो हमें इमिग्रेशन होने में एक घंटा बाकी था। इमिग्रेशन मतलब बैगेज जो हमारा सबमिट करवाना। इमिग्रेशन बाद में होगी जब आप बैगेज सबमिट करवा लोगे। तो लास्ट टाइम हमें ऐसा क्यों लगा कि जब हम मैं अपनी वाइफ के साथ आया था फर्स्ट टाइम यहाँ पर, तो हमने उस टाइम के ऊपर भी पोर्टर किया था। और पोर्टर करने का ये एक बेनिफिट है कि आपको वहाँ पर बैगेज वगैरह अगर आपका ज़्यादा है तो वहाँ पर वो छोड़ आएगा। हमने भी इसीलिए किया। तो बाद में उसने पैसे तो ले लिए, अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ था हमारे बैगेज ऊपर काउंटर ओपन होने के लिए, है ना। तो वो हमारे को, मेरी वाइफ को और डॉटर को बता कर चला गया। हमारे पास दो बड़े बैगेज 30-30 किलो के, दो 7-7 किलो के कैरी बैग्स और एक पिट्ठू बैग था साथ में, जिसके अंदर लैपटॉप था और साथ में इनायत डॉटर। तो इतना सारा सामान इसीलिए हमने पॉर्डर किया था, लेकिन वो वहां पर बैठा के चला गया। उसके बाद क्या हुआ? सॉरी, इमिग्रेशन नहीं बोल सकते, चेक इन बोल सकते हैं। चेक इन करवा के आपको अंदर भेज देते हैं। तो उसने क्या किया, मुझे बिठा के चला गया। फिर मैंने इनकी कॉल आई मुझे कि कहाँ पे हो, तो मैंने कहा ऐसे मुझे बिठा के चला गया। तो इन्होंने बाहर फोन कर दिया मेरे फादर को कि ऐसे ऐसे उसकी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है, वो चेक इन करवाने के बाद जाते हैं। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा लालची था कि मुझे देगी तो मैं इसको आगे तक ले जाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ दिया नहीं क्योंकि वो कंपनी के पेड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर वो बाहर मेरे फादर ने उनको कॉन्टेक्ट किया, उसकी आईडी मैंने उससे पूछ ली, उसकी आईडी मेरे पास थी। तो वो फिर बंदा वापस आ गया, लग गई तो वो वापस आ गया। हाँ, आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो, पोर्टर आपने किया है, आपका चेक इन बैग करवा के नहीं गया या वैसे ही चला गया, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि उसका काम ये होता है कि वहां तक छोड़ना। सिर्फ ये काम नहीं होता कि बैगेज अंदर लगा के आपको छोड़ दिया। तो उसी दौरान फिर मैंने अपने फादर को फोन किया, उन्होंने बाहर जिससे हमने सरकारी पैसे दिए थे उसने उसको फोन किया। उसके बाद वो आपके पास आया तो क्या कहा उसने? फिर मेरे पास आ गया तो कहता कि चलो मैम, मैं आपको आगे ले जाता हूँ जहाँ पे आपका चेक इन होना है। तो मैंने कहा आप तो पहले चले गए। कहते कि सॉरी, चलो मेरे से ऐसा हो गया। अच्छा। तो मेरे बाहर से कॉल आ गई थी, तो वो फिर मुझे वहां से उठा के, क्योंकि मेरा बैग उठाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, ऑब्वियस बात है, बिकॉज आई एम नॉट अलोन। तो फिर मैं आगे चली गई, आगे ले गया मुझे, फिर मुझे बिल्कुल ही चेक इन के सामने बिठा गया। दैट्स इज नॉट हिज और हर ड्यूटी। बिल्कुल, उसकी ड्यूटी यही है कि वो मेरे चेक इन करवाने के बाद मुझे छोड़कर जाए, लेकिन वो फिर भी वहां से चला गया। तो अब मैंने कहा था क्या इसको, क्या बार बार फोन करें, तो मैंने उसको बाद में फोन नहीं किया। तो सारा चेक इन मैंने खुद ही किया फिर। ठीक है। तो चेक इन पे क्या हुआ, वो जो लेडी थी उसने क्या किया, वो कहती कि आपका 60 kg ही जमा होगा, उसके बाद आपका जो आपके पास, मैंने अपने पास 7 kg ही रखना था और मेरा लैपटॉप बैग था और मेरे साथ इनायत थी, तो उन्होंने मेरा जमा नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ही वहां पे नो बोल दिया। हाँ। तो आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड कि अब मैं क्या करूंगी। तो फिर मैंने फिर अपने फादर को फोन किया, ऐसे कर रहे हैं वो जमा नहीं कर रहे, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं, कनाडा भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आए हैं, हमें तो पता है, हम हमेशा ही ऐसे जमा करवा के आते हैं। हमारी चार्टर फ्लाइट थी ये। हाँ, हमने बुकिंग करवाई थी। मैं जब फोन किया अपने एजेंट को, पूछा कि क्या हम चेक इन करवा सकते हैं, उसने मुझे तब कहा कि यस आप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, लेकिन बाद में आप खुद हिसाब लगाओ, 7-7 किलो के कैरी बैग प्लस लैपटॉप प्लस इनायत एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता है। हमने उनको रिक्वेस्ट करी, मैंने उसको वाइफ ने रिक्वेस्ट करी कि एक बैग तो सबमिशन करवा लीजिए, क्योंकि एक हम कैरी कर लेंगे, एक में हमारा लैपटॉप है, साथ में लड़की है, हम नहीं कर सकते दो हाथ में। तो उसने मना कर दिया, तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर हम चले गए, आगे खड़ी हुई थी, मैंने वहां पे एक सीनियर ऑफिसर आया तो उसको मैंने बोला कि आप ऐसा करो मेरे साथ कोई भेज दो या कुछ, कहते हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, आपको हेल्पर प्रोवाइड कर देते हैं जो आपको वहां पे बोर्डिंग तक ले जाएगा। तो उसने चेक इन बैग के ऊपर जो पैसे मांगे थे वो क्या सिस्टम था? वो भी था कि जब मैंने कहा चलो अगर आप सबमिट करते हो तो क्या है आपकी फॉर्मेलिटीज, तो वो कहते हम चार्ज करेंगे एक बैग का 7 kg का 17,000 विदाउट टैक्सेस। 17,000 के मैं इनको इतने पैसे कैसे मतलब प्रोवाइड करूं, कि मेरा तो दिल नहीं कर रहा इनको देने का। पहले मना कर दिया, वेस्टेज ऑफ मनी, बिल्कुल पहले मना कर दिया, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करके चलो ठीक है चेक इन बैग है, हम आगे भी गए हैं बाकी कंट्रीज में, गए हैं यूएसए कनाडा और बाकी कंट्रीज में भी गए हैं जहां पर सामान वाला ज्यादा था, तो हमने रिक्वेस्ट करके कर लिया 1 kg का, चलो 7 kg का उसने कर लिया सबमिशन। फिर उसने हेल्पर भेज दिया मेरी वाइफ के साथ, थोड़ी सी हेल्प हुई, ठीक है। फिर आगे जाके क्या हुआ? नहीं, वो हेल्पर जो मुझे वहां से मिला उसने मेरी बहुत ही हेल्प की, वो सारा सामान मेरा, मैं बिल्कुल ही लड़की को ही पकड़ के आई थी, तो वो मुझे वहां पे बोर्डिंग पे बिठा गया। तो उसके बाद बोर्डिंग पे जैसे हम वेटिंग में बैठ गए तो वहां पे मुझे एक लेडी मिली, वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, उसकी 5 years की डॉटर थी। हाँ। तो उसको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरा उन्होंने ये लगेज सबमिट नहीं किया, तो वो कहते क्यों नहीं किया, मेरे तो सारे लगेजेस उन्होंने सबमिट कर लिए। तो मुझे तो फिर हैरानी हो गई, ये क्या हुआ, मतलब इनका कोई वो इनका कोई है नहीं कि हमने इनका इतना सामान करना है, उसका इतना करना है, वो किसी का सहारा करी जा रहे हैं, किसी का बिल्कुल नहीं करते। वहां पे पैसे मांग रहे थे, तो जैसे मैं वेटिंग में बैठी तो मुझे वो लड़का बोल के गया था जो हेल्पर था कि मैम आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बोल देना, उसको एलर बोलते हैं, कि आप यहाँ पे लगेज रिक्वेस्ट बोल देना उनको। तो मैंने उस लेडी के पास गई जो बोर्डिंग पे खड़ी थी, तो उसने क्या किया, वो उसको मैंने बोला कि ऐसे करके आप मेरा लगेज जब एयरप्लेन के अंदर जाते टाइम की बात है ना, जहां पर प्रेम वगैरह जमा करते हैं, बिल्कुल बोर्डिंग टाइम होता है, वहां पे उन्होंने मुझे सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज थी जो उनको मैंने बोला, वो कहते कि कोई बात नहीं मैम आप इतना सामान कैसे लेके जाओगे, हम आपका एक बैग सबमिट कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आप मुझे सिंगापुर जाके दे देना, मैं वहां पे देख लूंगी। वो कहते आपको सिंगापुर नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली मेलबर्न जाके मिलेगा। तो उन्होंने पहले वहां पर काउंटर पे इन्होंने जमा नहीं किया, और जब प्लेन जब जैसे कोई बच्चे के साथ आ रहा है कोई जाने के लिए प्रैम है, तो हम वहां पर सबमिशन करवाते हैं ना, वहां पर रिक्वेस्ट की, दिल्ली एयरपोर्ट में ऐसा बहुत करते हैं। हाँ। तो पहले मेरा सबमिट नहीं किया कि ये पैसे दे देगी, उसके बाद मेरा जब बोर्डिंग टाइम था वहां पे उन्होंने मेरा बैग सबमिट कर लिया, और मुझे वहीं जाके मिला जहां मुझे 30 kg वाले बैग मिले। ये तो चलो अच्छा हो गया। हाँ। उससे पहले जो टिकट का क्या प्रॉब्लम हुई थी अहमदाबाद में? हाँ, उसके बाद मैंने उनको सबमिट करवा दिया, तो वहां पे फिर हम बैठ गए, वेटिंग टाइम था अभी, तो वहां पे 3 बजे थे, तो हमने ऐसे टाइम वगैरह स्पेंड कर लिया। तो जैसे 4:15 हुए तो हमारा टाइम हो गया प्लेन में बैठने का, तो वहां पे मेरा नाम अनाउंस किया गया, तो मैं आगे आ गई फिर। तो वहां पे वो बोलते हैं कि मैम आप अभी प्लेन में नहीं जा सकते, आप यहाँ पे बैठो, अब वाई मेरी सोचने लगी पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कब तक पहुंच पाएंगे, कोरोना करके वैसे ही बॉर्डर बंद हुए पड़े हैं, पता नहीं पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, तो ये विचार मतलब आने लग गए, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे बॉर्डर वगैरह पता नहीं कब बंद हो जाए कैसे हो जाए, तो ये सोचने लग गई थी। तो हुआ क्या था वो बताओ आगे। तो फिर मैं वहां पे अब बैठ गई, अब मुझे तो यही था कि पता नहीं अब जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, तो वहां पे बैठ गए, तो फिर वो अपना इश्यू रिजोल्व करते रहे। तो मैंने कहा मैम हुआ क्या है मुझे तो बताओ कि मैं क्यों अभी चढ़ नहीं सकती, तो वो कहते कि मैम आपके नाम की सेम लेडी यहाँ पे है, अच्छा तो वो उसका कुछ आपके साथ इशू हुआ है, तो मुझे फिर नहीं बताया। तो फिर मैं बैठी गई वहां पे, सारी पैसेंजर सारे पैसेंजर ही प्लेन में चढ़े, एकदम खाली हो गया एयरपोर्ट है। फाइनल कॉल कर दी उन्होंने कि तो मैं तो बिल्कुल ही अब मुझे घर ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने सारे मेरे बोर्डिंग वगैरह सारी दोबारा की, क्योंकि यो जो हमने यहाँ से एजेंट से टिकट करवाई थी उसने क्या किया मुझे और उस लेडी को सेम ही टिकट दे दी, एक ही नाम था अमनदीप कौर। हाँ। दो जाने थे, मेरी वाइफ का नाम भी अमनदीप है, उसका भी अमनदीप था, तो हमने अलग अलग करवाई थी, लेकिन उसने एक ही टिकट बुक कर दी थी, पता नहीं कैसा कर दिया हमारे को, टिकट नंबर सेम हो गया, वो प्रॉब्लम पैसेंजर को आनी शुरू हो गई।
फिर मुश्किल हुआ साथ में। तो वो उन्होंने अब कहते कि हम मैम को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया। मैं कहा देखो आपने मेरा कितना टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो फिर उन्होंने हम अपनी गलती मान ली और ये वो कि आपके एजेंट की गलती भी है। तो फिर वो हेल्पर भेजा उन्होंने, वो मुझे प्लेन तक छोड़ के आया। ये थोड़ी सी बात में राहत हुई। तो वो दिल्ली से सिंगापुर, सिंगापुर में जाकर कोई प्रॉब्लम? सिंगापुर में प्रॉब्लम नहीं थी, इट वाज माय फॉल्ट कि मैं थोड़ी बड़ी क्रीम ले गई थी वहाँ पे। अच्छा। तो जैसे मेरी सिक्योरिटी हुई तो उन्होंने मेरे बैग में कुछ लिक्विड आ गया, ज्यादा लिक्विड आ गया। आप 100 ग्राम की क्रीम लेके जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। ये भी सुन लो सारे, लिक्विड मेरे वाइफ का जो क्रीम थी 200 ग्राम की थी, तो उन्होंने कहा कि 100 ग्राम्स तक ही लेके जा सकते हैं। यस, आगे तो उसके वहां पे तो उन्होंने मेरी क्रीम उठाई और बिन में फेंक दी। बंदे को ऐसे बहुत होता है जब कोई नई चीज हो, यूज भी ना की हो, तो बंदा उस टाइम के ऊपर यूज भी नहीं कर सकता, उसको वैसे ही फेंकना पड़ता है। सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया तो ठीक रहा। हाँ, खाना पीना कैसे था? फ्लाइट भी अच्छी थी, खाना पीना बहुत अच्छा था। सिंगापुर एयरलाइंस का खाना पीना अच्छा था। तो उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँच गए, मेलबर्न पहुँच गए, तो वहाँ पे ठीक था। इनकी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑस्ट्रेलिया के, वो सारी चेकिंग तो होनी थी। जैसे ही हम इमिग्रेशन पे पहुँचे तो उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वैक्सीनेशन, योर टेस्ट रिपोर्ट, कोविड टेस्ट रिपोर्ट, और सारे मेरा वीज़ा देखा उन्होंने। वो सारी फॉर्मेलिटीज की है उन्होंने। और ये था कि हमने डायरेक्टली एडिलेड नहीं जाना था, हमने होटल में स्टे करना था, तो उन्होंने मुझे एक दूसरे रास्ते पे भेज दिया कि आप दूसरे इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलो, उसको अपना बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने वहाँ पे जो आपको एक पेज देते हैं फिल करने के लिए ना, अच्छा, तो वहाँ पे मैंने एडिलेड का एड्रेस दिया हुआ था। तो वो साइट पे ले गए, वहाँ पे उसने बोला कि आप तो एडिलेड जा रहे हो लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्वारंटाइन टाइम है 3 डेज, 72 घंटे का क्वारंटाइन था मेलबर्न में। तो वाइफ मेरी 19 दिसंबर को आई थी, अब मेरी डॉटर के साथ 1:40 के ऊपर लैंड हुई थी। चलो हाँ, तो 1:45 लगा लो, तो उसके बाद 72 घंटे हमने करना था। अच्छा, आ गए। तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि हमारा तो यहाँ पे स्टे है, 1 वीक हम स्टे करेंगे यहाँ पे। तो कहते इट्स ओके, और आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भेज दो। हाँ, उसने फिर यहाँ पे सारी डिटेल भर दी, A to Z, होटल नेम कैसा है, कहाँ रहोगे, तो दैट्स इट। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस, दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल। क्योंकि मेरी लड़की को वहां पे जाके थोड़ा वॉशरूम जाना था, तो वो कहते कि आप पहले वॉशरूम जाओ, बाकी सारा सामान यहाँ पे छोड़ दो, हम आपकी इमिग्रेशन बाद में कर लेंगे। तो एक लेडी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, हाँ मेलबर्न में, तो वो मुझे लेके गई, तो और हम वापस आए, तो उसके बाद मेरी इमिग्रेशन हुई है। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा सा बेकार रहा था शुरू में, फिर बाद में जाके धीरे धीरे सही हो गया। जब आप मेलबर्न पहुंच जाओगे, यहाँ पर तो सारा कुछ ठीक था, फॉर्म्स वगैरह भरते हैं जब इमिग्रेशन होगी। कौन कौन से क्वेश्चन उसने पूछे इमिग्रेशन पे, आप कहाँ जा रहे हो, यही पूछा था, और कुछ इतना क्योंकि हमारे पास वीजा भी 489 था, और मेरी फैमिली जो थी पहले यहीं पर थी, फिर दोबारा वहां पर गई थी, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। और दैट्स इट। सो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को भी ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सारी चीजें चेक करके। हो सकता है ये चार्टर फ्लाइट हो, मुझे ये प्रॉब्लम्स आई हो, नॉर्मल फ्लाइट्स में क्या पता ये प्रॉब्लम्स ना आए। हाँ, जो दिल्ली में आई है, सिंगापुर चलो ठीक था, चलो छोटे छोटे गलतियां, हाँ, जैसे पोर्टर है, पोर्टर की गलती है, पोर्टर की हो गया, ये सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके साथ आ सकती है। तो इससे आप बच के रहना, तैयार रहना। वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने पैसे खर्च किए हैं, इसलिए खर्च किए हैं क्योंकि हमारे को जरूरत है, नहीं तो अगर एक बंदा हो, एक या दो बैग हाथ में हो, तो वो करेगा भी नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके साथ फैमिली है और ऊपर से परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए हम पैसे खर्च कर रहे हैं, और ऊपर से अगर आपको फैसिलिटी भी नहीं मिलती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमारे को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, अभी क्वारंटीन चल रहा है समय, और देखते रहना हमारे सारे व्लॉग्स। बाय बाय।